गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? प्यारे बच्चों, इसके पहले नाइन्थ क्लास में एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया था। अब एमसीक्यू क्वेश्चन है, मैंने तुरंत उसको मल्टीपल करो और तुरंत उसका आंसर निकाल के, और फोर मल्टीपल चॉइस रहेगा, उसमें से एक वो टिक लगा देना है। कितना ईजी है, जैसे अभी फर्स्ट में करा है, एक ट्रायंगल है जिसका बेस 12 है और हाइट 5 है, तो उसका एरिया निकाल दो। तो बस इसको काट दीजिए, है ना? तो कितना, 6 5 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो 30 रहेगा उसमें टिक लगा देना है। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखिए। अब ये जो है ट्रायंगल है, और ट्रायंगल का मैं कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेल्स राइट ट्रायंगल, मैंने राइट ट्रायंगल भी है, आइसोसेल्स भी है, दो साइड इक्वल भी है, तो 10 10 कर दिए। तो इसका एरिया निकालने के लिए बस ऐसे कर दीजिए, 50 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बताइए कि ये हिसाब बनाने में कुछ समय लगेगा, तो मात्र आप लोगों को इसमें अधिक से अधिक 1 आवर्स, नहीं तो 50 मिनट, कितना 30 मिनट काफ़ी है, इस तरह से बना देना, ठीक है ना? अब एक ग्राम देख लीजिए, ये कहता है 16 नंबर क्वेश्चन पे, बच्चों देखिए, इसका हाइट कह रहा है निकालने के लिए, इसका क्या निकालने के लिए कह रहा, हाइट इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो प्यारे बच्चों, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या पढ़े थे, याद है फार्मूला, √3/4 × साइड स्क्वायर इक्वल टू 81√3। अब क्या करिए कि साइड इक्वल टू साइड निकालना है, तो ये इधर जाएगा तो 4/√3, और स्क्वायर है तो अंडर रूट, तो √3 से √3 कैंसिल, तो आपका 81 × 4, 81 का स्क्वायर रूट 9, अब 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 9 टू जाए 18 सेंटीमीटर आपको आ गया बेस। तो हाइट निकालना है, तो निकाल सकते हैं कि नहीं, क्या हाइट निकाल दीजिए, GHT हाइट इक्वल टू कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों, क्या पढ़े थे, हाइट इक्वल टू हाइट ऑफ ट्रायंगल, क्या कैसे निकालेंगे, बेस मालूम है ना, बेस तो मालूम है इतना सेंटीमीटर, तो 2 × एरिया / बेस कर दीजिए, बेस 2 × एरिया / बेस, तो 2 × एरिया कितना है प्यारे बच्चों, एरिया है 81√3 और बाई बेस, बेस कितना है 18, अब इसको काट दीजिए 9 हो जाएगा, 9 9 81√3 = 9√3 सेंटीमीटर आ गया, जो रहेगा उस पर टिक लगा देना है। बताइए कि कै मिनट लगता है, 1 मिनट भी बनाने में लगता है ना? इस प्रकार से आप बहुत आराम से बना सकते हैं प्यारे बच्चों, इस प्रकार से टोटल बना लेना है। थैंक यू।